ए छठी माई दे दाना गोदी में लालाना वासुगनवा माई माई पुकार। हमारे साथ गौरव रोशन और सृष्टि भारती मौजूद है जो कि सुपरस्टार है, आज मिल गए। देखिए फ्लाइट पकड़ करके आप पता नहीं कहाँ जाने वाले, छठ का समय है और बहुत सारे गाने इनके जो है ना ट्रेंड में चल रहे हैं, उस सारे मैटर को लेकर के भी बात करेंगे। और जो शारदा सिन्हा का जो काफी तबीयत खराब है उनको लेकर के भी बात करेंगे, जो कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि एक कोई कलाकार अभी तक फेसबुक पर पोस्ट तक नहीं किया गया है, सभी लोग बोलते हैं कि कलाकार सभी एक है, सिंगर सभी एक है, उन सारे मैटर पर बात करेंगे। स्वागत है सभी, सबसे पहले दोनों आदमी के एक ही बार में। सबसे पहले गंगा न्यूज देखे वाले के जितना भी दर्शक बानी सबके नमस्कार प्रणाम, छठ के बहुत सारा बधाई, दिवाली के भी बधाई, दिवाली बीत गई बधाई लेकिन सबके फिर भी बधाई सब बधाई जी, जी। अच्छा क्या कहिएगा, अभी शारदा सिन्हा का तबीयत काफी ज्यादा खराब है, कलाकार लोग हमेशा बताते हैं कि सब कलाकार एक है, लेकिन अभी तक ज्यादा लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उनके लड़के जो है उनके फेसबुक से लाइव आकर के बता रहे हैं कि काफी ज्यादा तबीयत खराब है, जो कि भोजपुरी के कहे तो एक मतलब कि रास्ता है, रास्ता दिखाती है, आज भी मतलब सभी लोग उनको गुरु मानते हैं, बहुत सारे लोग। छठ का समय है जो कि छठ में उनके बहुत सारे गाने जो है ना ट्रेंडिंग हो जाता है, हमेशा उनके छठ के आगे किसी का गाना नहीं बजता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि शारदा सिन्हा जी मतलब आदरणीय भोजपुरी की बहुत बड़ी धरोहर, और छठ में समझिए कि और किसी का गाना बजे ना बजे, यहाँ तक कि पवन सिंह खेसारी लाल का गाना ना बजे बजे बिल्कुल दूर की बात है, लेकिन शारदा सिन्हा जी का गाना जरूर बजता है, रोया खड़ा हो जाता अगर उनका गाना हम सुने ना। आज भी छठ है, छठ का मौसम चल रहा है, अगर उनका गाना आज भी सुना जाए तो 8-9 मिनट का गाना, आजकल तो 3 मिनट में गाने समाप्त हो जा रहे हैं, फिर भी लोग वाच नहीं कर पाते हैं बिल्कुल, और शारदा सिन्हा जी का गाना सब लोग वाच करते हैं। और देखिए यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन में अभी है छठ का गाना, आप लोग भी दुआ करिए, सब लोग से यही हाथ जोड़ करके विनती है कि सब लोग दुआ करिए शारदा सिन्हा जी के लिए, क्योंकि भोजपुरी की बहुत बड़ी धरोहर है और ऐसे धरोहर को अभी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि क्या करेंगे, भगवान जो है वो अच्छे लोगों को ही दो, हर जगह अच्छे लोग का ही मांग है, बिल्कुल कहीं ना कहीं सलामत रहे, दुआ है हमारी भी। सृष्टि भारती है, कैसी है जी? मैं ठीक हूँ, सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। छठ का कौन कौन सा गाना लेके आई है अभी तक? थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे में रहिए। छठ का बहुत सारा गाना आया है, सर का भी किया हुआ सॉन्ग आया है, तो अब क्या बताया जाए, छठ का माहौल चल रहा है, लेकिन जिनका गाना हर जगह बजने वाला था आज वो सिंगर क्या बताए बीमार है, तो आप सबसे यही विनती करेंगे कि आप शारदा सिन्हा जी के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, गाना उनका ऐसा कोई स्थान ना हो कि जहाँ उनका गाना ना बजता हो। आज के डेट में भी पहले का बहुत जितने भी पुराने गाने हैं आज के डेट में उनका सारा गाना बजता है, कच्चे ही बास के बहन, ये बहुत ही प्यारा। थोड़ा सा सुनाइए एक लाइन दर्शकों के लिए, या जितने लोग नहीं जानते, जानने के लिए तो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में कोई ना जाने, धरोहर है भोजपुरी के, सभी लोग उनके रास्ते पे भी सीखते हैं, गुरु भी मानते हैं, थोड़ा सा एक लाइन मैं चाहूंगा। जी बिल्कुल, उनका गाना मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उनके तरह गाती हूँ, लेकिन जो गाना उनका बजता है मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा गाकर आप लोगों को सुनाऊंगी। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, पेन्ही ना बलम जी पियरिया बहंगी घटे पहुँचाए, बात जे पूछे ला बटोहिया बहंगी के करा के जाए, तू तो आनर हुए रे बटोहिया बहंगी छठ मैया के जाए। बिल्कुल
बहुत सुंदर। जब छठ में अगर शारदा सिन्हा का गाना ना बजे ना तो छठ अधूरा लगता है। अभी भी जाइएगा देखिएगा तो घाट पे मतलब हर जगह जो है ना शारदा सिन्हा का गाना बजता है। तो मैं चाहूँगा कि जितने हमारे भाई देख रहे हैं, सिंगर देख रहे हैं या जो तमाम भोजपुरिया दर्शक देख रहे हैं, एक एक शेयर जरूर कीजिए और उनके नाम पे थोड़ा छठी माई से आप लोग भी दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। क्या सर श्री बात जी? बिल्कुल, और वो ठीक हो जाएंगी तो हम लोगों के लिए और खुशी की बात, इससे बड़ी खुशी की बात हो ही क्या सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आपके गाने कौन कौन से अभी छठ गाने आए हुए हैं? तो छठ गाना बहुत सारा आया हुआ है, तो एक गाना बहुत प्यारा गाना है, आदे देवे लाया रघिया लेती वैया पियारी पहीर के, आदे देवे लाया रघिया लेती वैया पियारी पहीर के, ताऊगी उगी उगी ये सूरज देव बदरिया चीर के, ताऊगी उगी उगी ये सूरज देव बदरिया चीर के। और गाने, और कोई गाना याद है? बहुत सारा गाना है, देखिए। अच्छा, याद कर लीजिए, गौरव रोशन जी है। इस छठ में कितना लोगों को छठ गीत गवाए, बहुत सारे गाने तो इनके जो है ना बहुत हजारों मिलियन में चांद भाई का हमेशा गवाते रहते हैं, मिलन आसमान में बहुत सारा गाना इनका। गौरव रोशन म्यूजिक डायरेक्टर, आप लोग जितने लोग नहीं जानते वो भी वो लोग जान जाइए कि म्यूजिक डायरेक्टर है। आइए, जो म्यूजिक बना देते हैं तो गाना मतलब हजारों मिलियन में एकदम उड़ने लगता है। क्या बस छठ में जो है बहुत सारा गाना बनाया, कम से कम हमको लगता है कि 100 से ऊपर गाना बनाया। 100 से ऊपर जी। सबसे मतलब श्रेष्ठ गाना किसका रहा इस टाइम? लगभग सभी का अच्छा गाना रहता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अच्छा ही गाना गवाऊँ सभी को, और सब गाने एक से एक है, एक से एक है। अच्छा, कैसा लगता है छठ के गीत गवाने में? क्योंकि हमेशा आप होली का गवाते हैं, चाहे लोग गीत गवाते हैं, कई प्रकार के गाने हमेशा गाते हैं, लेकिन जब छठ का गीत स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है तो उस टाइम कैसा फीलिंग होता है? छठ में तो समझ जाइए कि 2 महीना पर भी नवरात्र जैसे बीतता है, 1 महीना पहले से एकदम पूरा भव्य शुरुआत हो जाता है छठ का। छठ में तो एकदम मिजाज जो है भक्तिमय पूरा हो जाता है, और आस्था हम लोग का, हिंदू हम लोग के हिंदू लोग का इतना बड़ा पर्व है, पर्व नहीं महापर्व है, इससे मतलब क्या बताएं, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगा है इस साल तो खास करके। और लेकिन बस एक ही थोड़ा सा दुखी हो गया है मन की शारदा सिन्हा जी बीमार है, जो की छठ उन्हीं के गानों को सुन करके हम लोग छठ आज जो भी है, मतलब समझिए ना कि 100 गाना अगर कम से कम बनाया जिसमें 80 गाना उन्हीं के धुन पर है, बिल्कुल उन्हीं का कॉपी किया हुआ है। लेकिन लेकिन क्या कहेंगे, कलाकार हमेशा बताते हैं कि सब लोग एक हैं, लेकिन एक पोस्ट तक ले नहीं किया जा रहा है, ना ही दुआ मांगा जा रहा है। हम अभी तक कोई कलाकार का नहीं देखे, ना न्यूज वाले उतना न्यूज पे भी बता रहे कि शारदा सिन्हा हमारे भोजपुरी के धरोहर का। ये कमी है हमारे भोजपुरी की, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको इस समय अब लगभग सभी लोग दुआ कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे अभी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दुआ करिए शारदा सिन्हा जी के लिए, क्योंकि इनसे बड़ा फिर छठ में समझिए कि कई पुष्ट हमको लगता है कि शुरू से आज तक हम तो जब से हैं समझ कि यही सुनते ही हैं, का चाहिए बांस के बहंगिया होगी सूरज देव, बिल्कुल यही सब। बिल्कुल, अगर छठ में उनका गाना ना बजे ना शारदा सिन्हा तो छठ अधूरा लगता है, क्या है कि नहीं? पूरा अधूरा है, ये है कोई भी गा दे लेकिन छठ उनके बिना अधूरा है। उनका गाना जरूर लोग सुनिए एक बार सर्च मार के। 3 दिन पहले एक गाना रिलीज हुआ है जो कि फोटो लगा करके, शायद उनकी तबीयत खराब था तो उनकी वो बोली कि मेरा गाना रिलीज कर दीजिए, तो 3 दिन पहले उनका गाना रिलीज हुआ है सादा ही करके, लेकिन बड़ा प्यारा गाना है उनका। जहाँ पे उनका आवाज आ जाए वहाँ पे फिर अब पूछना ही नहीं है और कहना ही नहीं है। क्या कहेंगे हमारे जितने भोजपुरिया दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि छठ में जो है छठी मैया से सब लोग आग्रह करिए, सब लोग छठी माई से विनती करिए कि शारदा सिन्हा जी जल्दी ठीक हो जाए। बस बिल्कुल जी। सृष्टि भारती है, क्या लास्ट में चलते चलते कहना चाहेंगे या और कोई गाना है तो सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, आया है मेरा गाना सर का किया हुआ वो गाना है, गाँव नागर ताना मारे
बाजिन बाजिन कहता रे हो, एहो माई दे दाना गोदी में लालाना मासू गनावा कही कही पुकारे हो, ए छठी माई दे दाना गोदी में लालाना वासु गनावा माई माई पुकारे हो। बहुत प्यारा गाना है। और ये ना देखिए कि फर्स्ट बार अलका फिल्म से फर्स्ट बार इनका गाना गया और पहला ही गाना ट्रेंडिंग में आ गया। ट्रेंडिंग में आया छठ का। और एक गाना था पहला बे छठ करता नी नहीं हार, पहला बे छठ करता नी नहीं हार, कि सैया मोरा सड़िया के बए परिया, सैया मोरा सड़िया के बए परिया, सड़िया लैले पियर पियर, सैया मोरा सड़िया के बए परिया। बहुत सारा गाना है और गाएंगे तो गाते गाते ऐसे ही हाँ बिहान हो जाएगा। तो चलिए अब छठ के बाद मिलते हैं तो और गाने का चर्चा करेंगे। और छठ बिहार के लिए महापर्व है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलते जाते जाते यही कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और सबसे पहले तो दुआ कीजिए हमारी शारदा दीदी ठीक हो जाएं, और उनके बिना छठ अधूरा होता रहता है। तो अगर छठ महा हम लोग का बिहार का देश का महापर्व छठ है, तो अगर छठ में वो ठीक हो जाती है तो इससे बढ़कर खुशी और कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग दुआ कीजिए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव। चलिए तो आप अपना राय जरूर बताइएगा सृष्टि भारती और गौरव रोशन जी के बारे में, दो शब्द जरूर लिखिएगा। और कुछ सवाल छूटता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। छठ बाद हम मिलेंगे तो फिर मतलब कि वो सवाल करेंगे। और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए और शारदा सिन्हा जी के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो धन्यवाद, नमस्कार।